नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। गोरखपुर में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उस पर लगातार न्यूज़ क्लिक नज़र रखे हुए हैं और हाल ही में वहां के डीएम ने एक नया नोटिस जारी किया है, एक नई रिपोर्ट जारी हुई है जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथी तारिक अनवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अनवर लगातार गोरखपुर के इशू पे लिख रहे हैं न्यूज़ क्लिक के वेबसाइट पे, और वो जो मौजूदा रिपोर्ट है डीएम की उसमें किसे दोषी ठहराया गया है, इस पूरे प्रकरण के लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर वो और प्रकाश डालेंगे। तारिक जी, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। और ये जो डीएम की रिपोर्ट है वो मुख्यतः है क्या और वो बता क्या रही है? प्रांजल, हम डीएम की रिपोर्ट पे जाने से पहले एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग को देखें जो इम्पॉर्टेंट है, फिर उसको देख के डीएम की उस रिपोर्ट पे चर्चा करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे इस लेटर में ये कहा गया है कि आपको सूचित करना है कि चिकित्सालय में लगा लिक्विड ऑक्सीजन गैस पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है तथा ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति करने वाला फर्म जो पुष्पा सेल्स था, लखनऊ बेस्ड कंपनी है, द्वारा मांग पत्र रिक्विजिशन लेटर के अनुसार गैस की आपूर्ति नहीं कर रही है। उक्त के संबंध में आज दिनांक 11/8/17 ये वही दिन है जिस की रात में 34 बच्चे और 18 एडल्ट्स की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह कर। ये जो जेंटलमैन हैं इनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें डॉक्टर बीएन शुक्ला हैं, ये पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उसमें चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और भी लोग हैं। इन लोगों ने हॉस्पिटल के बीआरडी कॉलेज के सेमिनार रूम में एक अपनी मीटिंग की और ये उन्होंने एक रिकमेंडेशन ये किया कि ये सारी जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि गैस की कमी हो रही है, जो सप्लायर फर्म है वो सप्लाई नहीं कर रहा है, और इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम प्रिंसिपल बीआरडी कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म करेंगे। ये कितना पहले हुआ है ये मीटिंग? ये 11/8/2017 की है। 4:30 पे ये लेटर शूट ऑफ किया गया है प्रिंसिपल को, और जिसपे 7-8 घंटे पहले, हाँ 7-7.5 घंटे पहले। तो इतना टाइम काफ़ी था कि आप कोई भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते थे, चूँकि डिस्ट्रेस की सिचुएशन होने वाली थी जिसको शायद पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप नॉचेज हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रोक्योर डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये लोग शायद उस सिचुएशन को नहीं समझ पाए और इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई। तो अब हम आते हैं उस प्रोब रिपोर्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की है 12/8/2017 को, एक दिन बाद, उस ट्रेजेडी के एक दिन बाद। आइए इनकी रिपोर्ट्स को हम ब्रेक डाउन करके देखें इन्होंने मेनली कहा क्या है। पहला पॉइंट, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता फर्म पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित की गई जिसके लिए वो जिम्मेदार है, जो इसके जीवन रक्षक कार्य को देखते हुए नहीं किया जाना चाहिए था। ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुष्पा सेल्स पे ये दे रहे हैं कि ठीक है आपके ड्यूज थे, क्लियर हो जाते, लेकिन जो आप ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, बहुत क्रूशियल चीज़ें जिसकी आप सप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमन ग्राउंड पे आपको वो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर कफील खान, नोडल 100 बेड EAES वार्ड ने बताया कि वार्ड की एसी खराब हो जाने के बारे में डॉक्टर सतीश कुमार को लिखित रूप से अवगत कराया गया था, परंतु समय पर रिपेयर नहीं कराया गया। ये किस वार्ड की बात की जा रही है? इंटेंसिव केयर यूनिट की, जहाँ पे बच्चे रखे हुए हैं, न्यूट्रल इंटेंसिव केयर यूनिट की बात की जा रही है। वहाँ का एयर कंडीशन ख़राब है, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं और पेरेंट्स पंखे से अपने बच्चों को ये कर रहे हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में नंबर 1 एसी ख़राब, नंबर 2 जब एसी ख़राब होगी और आपको वेंटिलेशन चाहिए तो आप खिड़की खोलेंगे जहाँ से फर्दर जो वहाँ पे बच्चे एडमिट हैं ऑलरेडी क्रिटिकल बच्चे हैं, फर्दर इन्फेक्शन उस खिड़की से आ रहा है। और पेरेंट्स चूँकि वहाँ पे उनको ये करना है तो पेरेंट्स के साथ इन्फेक्शन आ रहा है। तो पूरा का पूरा नेग्लिजेंस देखिए। और ये इस बात की जानकारी, ये डॉक्टर कफील खान वही डॉक्टर हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने विथ इमीडिएट इफेक्ट सैक किया था उस इंसिडेंट के बारे में। और ये कफील खान के बारे में बहुत रिपोर्टिंग की जा रही है, सेवियर कहा गया, बहुत इनकी तारीफ़ की गई कि पर्सनल लेवल पे इन्होंने जो कुछ किया प्रोक्योरमेंट के लिए वो उसकी बड़ी तारीफ़ की गई थी मीडिया में। ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक बुक एवं लॉग बुक मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 2 लोगों की है, एक तो डॉक्टर सतीश बीइंग चीफ ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और दूसरे एक साहब हैं गजानन जायसवाल, ये चीफ फार्मासिस्ट हैं उस मेडिकल कॉलेज। इन दोनों को लॉग बुक और स्टॉक बुक मेंटेन करना है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वो ये कहते हैं कि इनके द्वारा अपने रिकॉर्ड को भली भांति मेंटेन नहीं किया और स्टॉक बुक में ओवरराइटिंग की गई। लॉग बुक के प्रभारी डॉक्टर सतीश द्वारा कभी भी लॉग बुक को ना तो अवलोकित किया गया और ना ही उस पर हस्ताक्षर किया गया, so never, और ना ही उस पे सिग्नेचर्स हुए, कभी सिग्नेचर तक नहीं हुआ। इसका मतलब है उन्होंने देखा नहीं है लॉग बुक या स्टॉक बुक। और जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के वो उन्होंने भी कभी इस पे कुछ सोचा ही नहीं, कभी कोई विजिट नहीं किया, लॉग बुक मंगा के चेक नहीं किया, स्टॉक को चेक नहीं किया। अब नेक्स्ट फाइंडिंग पे आए, डॉक्टर राजीव मिश्रा प्रिंसिपल बीआरडी कॉलेज, दिनांक 10/8/17 को प्रातः मुख्यालय से बाहर थे तथा डॉक्टर सतीश कुमार भी दिनांक 11/8/17 को बिना अनुमति के मुंबई चले गए थे। यानी प्रिंसिपल भी नहीं थे और जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के चीफ हैं वो भी नहीं थे। इस प्रकार मेडिकल कॉलेज छोड़ने से पूर्व यदि इन दोनों अधिकारियों द्वारा उक्त समस्या का समाधान समय से कर दिया गया होता तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, जबकि उक्त दोनों अधिकारियों को फर्म द्वारा पहले से आपूर्ति बाधित करने के संबंध में जानकारी रही होगी। फर्म ने पहले इनको इंटीमेट किया था कि ड्यू क्लियर नहीं है, हम डिसकंटिन्यू कर देंगे सप्लाई। ये जो प्रिंसिपल हैं ये 10 तारीख से गायब थे और ये 11 तारीख से गायब थे। यानी जो मीटिंग हुई थी, जो लेटर शूट ऑफ किया गया था, इससे इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इस फाइंडिंग से पहले जिस लेटर की बात हमने कहा था कि चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के और उनकी जो मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स को हम नोटिस में लाएंगे प्रिंसिपल के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये उनके नोटिस में आता कैसे? ये हालांकि वो लेटर जा चुका था प्रिंसिपल ऑफिस को, लेकिन प्रिंसिपल मौजूद नहीं थे, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के डॉक्टर सतीश वो मौजूद नहीं थे। ये दोनों कितने सीरियस हैं ये इस बात से पता चलता है कि जो सप्लायर है, ऑक्सीजन सप्लायर है, उसने प्रियर नोटिस दिया हुआ था, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और ये एज इट इज चलता रहा। इसको इन्होंने बहुत लाइटली लिया। ये तीनों जो टॉप नॉच थे, दोनों टॉप नॉच थे, ये तो थे ही नहीं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की फाइंडिंग ये की गई कि जो इंचार्ज प्रिंसिपल थे, फिर सीएमएस डॉक्टर रामाशंकर शुक्ला और जो कफील खान थे हैं नोडल ऑफिसर थे वो 100 वार्ड के, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी पाई गई। लिक्विड ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बार बार भुगतान करने का आग्रह करने के बावजूद तथा बजट दिनांक 5/8/2017 को उपलब्ध होने के उपरांत भी अवशेष बिलों का समय पर से भुगतान न करने के लिए प्रचार को समय से सूचित न करने वाली प्रतावली समय से प्रस्तुत न करने के लिए संबंधित उदय प्रताप शर्मा कार्यपालक सहायक लेखा अनुभाग तथा श्री संजय कुमार त्रिपाठी लेखा लिपिक लेखा अनुभाग एवं सुधीर कुमार पांडे सहायक लेखाकार नेहरू चिकित्सालय भी प्रथम अदृश्य दोषी हैं। इनको भी प्राइमा फेसी एक्यूज मान रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि इन्होंने उस फर्म की तरफ से ऑलरेडी ये नोटिस दी जा चुकी थी कि ऐसा होगा। 5 तारीख को वो बजट भी पास हो गया था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। तो पेमेंट करने के लिए जो पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल कंसर्न थे उनको उनका भी नेग्लिजेंस पाया गया और उनको भी इसीलिए प्राइमा फेसी एक्यूज बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर का लॉग बुक दिनांक 10/8/17 को बनाए जाने एवं स्टॉक बुक में ओवरराइटिंग करने तथा लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्तिकर्ता फर्म के बिलों का क्रमवार या तिथिवार भुगतान न होने के पीछे वित्तीय अनियमितता होना प्रथम दृश्यता प्रतीत होता है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी भी ये कह रहे हैं कि 10 को स्टॉक बुक बनाया जा रहा है, फिर उसमें ओवरराइटिंग पाई जा रही है, फिर जो बिल्स आए हुए थे पुष्पा फॉर्म्स के उस बिल को डेट वाइज नहीं अरेंज किया गया, नहीं उसको डेट वाइज उसका पेमेंट किया गया। इन सबको देखते हुए ये लगता है कि यहाँ पे कुछ फिनेंशियल इरेगुलरिटी भी है जिसके लिए ऑडिट कराया जाना एवं प्रकरण की शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराया जाना उचित होगा। तो ये है पूरा मामला। अब ये थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वो दोनों। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रांजल ये नोट करने की है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपनी फाइंडिंग बहुत हद तक कन्विंसिंग है। अगर चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इतने सारे ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पे जाके फाइंडिंग की है, जो लोगों से बात की है उनका अपना ये है। लेकिन जो एक नोटिस की जाने वाली चीज़ है कि वो पहली रिपोर्ट जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ने प्रिंसिपल को ये उस मीटिंग में फाइनलाइज़ किया था, सेमिनार रूम में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये 11 तारीख को उसमें ये फाइनलाइज़ किया गया था कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो रही, कमी क्या ख़त्म होने वाला है, तो हम इस बात ये सारी बात प्रिंसिपल को नोटिस में लाएंगे, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात की जानकारी दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ये रिपोर्ट आती है लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इस बात की खबर थी और खबर अच्छा खासा 7 घंटे पहले थी। तो अगर सबके सब ये पूरा का पूरा सिस्टम अलर्ट होता और तो ये ट्रेजेडी अवॉइड की जा सकती थी। टोटल अब तक यही फाइंडिंग है। शुक्रिया तारिक अनवर जी। जैसा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि इस पूरे इलाके में ये बीमारी लगातार कई सालों से आ रही है और इस कारण ये मौतें हुई हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि ये सामान्य बात है, पर अगर इन फाइंडिंग्स में जाएँ तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है, क्लियरली कोऑर्डिनेशन की कमी है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि ये होने वाला है, 7 घंटे का समय था, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रांजल, इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। चीफ मिनिस्टर विजिट करते हैं, एक ऑफिशियल को विद इमीडिएट इफेक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट इस पूरे इंसिडेंट को नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं लगा। 34 बच्चे मारे जा रहे हैं लेकिन ये नेचुरल कैलेमिटी है उनके लिए। बिना किसी प्रोब के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप उसको नेचुरल कैलेमिटी कह देते हैं। जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके लिए कहते हैं ये सब होता रहता है, ये छोटी बातें हैं। तो अब जब 2 चीफ ऑफ द स्टेट एक को ये नेचुरल कैलेमिटी लगती है, दूसरे को ये छोटा सा इशू लगता है, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पे भी बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है।